सतकाल आदाब, मैं सुलेखा गढ़ेवाल एंड द पेंटिंग मैजिक में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं स्टिल लाइफ, वो भी ऑयल पेंट से। अगर आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू होंगे तो यू नो दैट थिंग कि हाउ मच आई लव ऑयल पेंट्स। सो आज हम ऑयल पेंट्स करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम ये बहुत टाइम तक पेंसिल स्केच, कलर पेंसिल पेंसिल स्केच करते हैं ना, ग्रेफाइट एंड चारकोल वगैरह, और कुछ टाइम बाद उसके बाद जब हम ऑयल पेंट्स करते हैं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। सो गाइस, आज हम ऑयल पेंट्स करेंगे, आई एम सुपर एक्साइटेड। और उससे पहले भी हम जाएंगे स्टेशनरी, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट, बिकॉज जब हम स्टेशनरी जाना, वो सब चीज़ें देखना, मुझे बहुत मज़ा आती है। सो अभी हम वहाँ जाएंगे, कुछ ब्रशेस खरीदेंगे एंड देन ऑयल पेंटिंग करेंगे। ओके, सो अभी हम चलते हैं स्टेशनरी। सो गाइस, आई एम बैक फ्रॉम शॉपिंग, तो मैं कुछ कुछ लेके आई हूँ, मैं फटाफट दिखाती हूँ। तो मैं ये कैनवास लेके आई हूँ, 14x14। ओके, इस पर हम पेंटिंग करेंगे। इसमें है कुछ ब्रशेस, अभी हम इसको खोलते हैं। ये देखिए, छोटा सा कैनवास मुझे इतना क्यूट लगा। अब मैंने इसके लिए कोई भी पेंटिंग सोची नहीं है, बट मुझे ये बहुत क्यूट लगा और आपको तो पता ही है कि मुझे मिनिएचर कितनी पसंद है, तो मैंने ये खरीदा। ये एक्रेलिक व्हाइट कलर हमारा खत्म हो गया था, आई मीन है थोड़ा सा, तो मैंने ले लिया ये ब्रशेस। ब्रशेस मैन थिंक, इनको दिखाता हूँ मैं। ये हार्ड ब्रश है, 6 नंबर का। ओके, लॉन्ग हैंडल, इसे बैकग्राउंड करने में, थोड़ी बड़ी सी चीज़ें करने में ना इसमें मजा आती है। ये 2 नंबर, ये हिरन के पैर वाला। इट इज फिल्बर्ट, फिल्बर्ट इसका प्राइस टैग निकाल लेते हैं। ये 4 नंबर फिल्बर्ट। ओके, ये सॉफ्ट हेयर्स बिथा सॉफ्ट हैंडल, 5 नंबर। ओके, एंड इट इज, ओह माय गॉड, मैंने एक 5 नंबर ले लिया और एक 4 नंबर ले लिया, जिसका कि मुझे याद ही नहीं रहा। 5 नंबर से भी हम सेम काम कर सकते हैं, 4 नंबर से भी हम सेम काम कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बट ठीक है, हम एक को अभी खोल लेंगे, जब एक खराब होने लगेगा तो हम दूसरे को यूज़ कर लेंगे। तो ये 5 नंबर है, सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर बिथा सॉफ्ट हैंडल, इट इज 4 नंबर सॉफ्ट हेयर बिथा अगेन सॉफ्ट हैंडल। ओके, एंड दिस इज 9 नंबर बिथा सॉफ्ट हेयर एंड सॉफ्ट हैंडल। ओके, सो गाइस, ये हैं टोटल जो कि हम लेके आए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज मेरे पास थोड़े से मतलब इतने ब्रशेस हमारे पास ऑलरेडी रखे हुए थे, तो हम इतने जल्दी थे। ओके, वो एक लॉट। सो अभी हम चलते हैं फटाफट वीडियो की तरफ, आई मीन पेंटिंग की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले हम अब एक रफ सा स्केच ड्रॉ कर लेंगे एंड देन कोई भी एक कलर पिक करके उसके आउटलाइंस को पेंट कर लेंगे। मैं हमेशा कोई भी एक कलर ज़रूर बोलती हूँ, बट मैं हमेशा साइना ही पिक करती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। सो गाइस, आप देख ही चुके हैं कि मैं किस चीज़ की पेंटिंग करने वाली हूँ, अब तक आपको अनुमान लग चुका होगा। सो अभी हम यहाँ पंपकिन की पेंटिंग करने वाले हैं, और मैंने ये रेफरेंस पिंटरेस्ट से लिया है। और मैंने जब ऐसा स्क्रॉल कर रही थी पिंटरेस्ट, मतलब कि मैं पेंटिंग के लिए रेफरेंस ही लेने गई थी, तो वहाँ पे मुझे ये दिखा और मैंने इसे फटाफट पिक कर लिया, बिकॉज इसमें मुझे डार्कनेस टू लाइटनेस बहुत अच्छे से, मैं अपने उस डार्क टू लाइट जाना एंड लाइटनेस और डार्कनेस की स्टडी मेरी बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो मैंने इस पेंटिंग को पिक किया है। एंड इसमें डिटेल्स भी ही उतने ही अच्छे से दी हैं, जितना कि डार्कनेस एंड लाइटनेस दी है उतने ही अच्छे से इसमें डिटेल्स दी गई है एक एक चीज़ की, तो उसे बनाते हुए भी हम बहुत मज़े से बनाएंगे और बहुत लाइक हमको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जब मैं ये पेंटिंग कर लूँगी ना, तो ये तो है कि मैं 10% मैं समझ लूँगी अपने आप को कि मैंने 10% अपना लेवल अप कर लिया है, बिकॉज इसमें जो डिटेल्स दी हैं ना अंदर वाले उसकी, वो काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर मैं उसको अच्छे से बना पाती हूँ, तो मैं समझ लूँगी कि हाँ भाई, मैं एक स्टेप अप तो चल ही गई हूँ। और यहाँ मैं अपने न्यू ब्रशेस के साथ अपनी पेंटिंग को एंजॉय करती हूँ। एंड आई थिंक ब्रशेस का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है, जितना कि कलर्स इम्पोर्टेंट होते हैं एक पेंटिंग के लिए, उतने ही ब्रशेस होते हैं। अगर हम ब्रशेस से पेंटिंग कर रहे हैं, तो अदरवाइज़ लोग तो बिना ब्रशेस के भी पेंटिंग कर लेते हैं, अपने फिंगर से, पैलेट नाइफ से, इन सब से भी पेंटिंग होती है। बट जब हम ब्रश से पेंटिंग करते हैं, तो हम अगर कंपेयर करें कि खराब ब्रश और अच्छे ब्रश में फ़र्क हमको समझ आ जाता है।
एक्चुअली स्पीड का काफ़ी रोल होता है कि अगर हम अच्छे ब्रशेस, अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस लेते हैं और ब्रशेस ख़राब नहीं हैं तो फिर हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। वहीं अगर हमारे ब्रशेस थोड़े से ख़राब हो जाते हैं तो हमारी वहाँ पे स्पीड कम हो जाती है। तो हम पेंटिंग तो उनसे भी कर सकते हैं बट स्पीड के लिए हमको अच्छे ब्रशेस होंगे तो हमारी स्पीड अच्छी आती है। यहाँ पे मैं अपने बीज बना रही हूँ और फिर धीरे धीरे मैं इनकी डिटेल्स दूंगी। और मेरी आदत है मैं हमेशा लेयर बाय लेयर करती हूँ, बाकी मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकती थी बट मुझे ना ऐसा लगता है कि हम एक एक, एक लेयर करेंगे ना तो फर्स्ट लेयर से लेकर लास्ट लेयर तक का जो इफ़ेक्ट आता है वो और भी अच्छा आता है। इसलिए मैं पहले उसको बेस लेयर दूंगी, फिर मैं सेकेंड लेयर दूंगी, फिर मैं थर्ड लेयर दूंगी। तो ऐसे करके मेरे पेंटिंग्स में टाइम ज़्यादा लगता है बट पेंटिंग्स भी बड़ी अच्छे से उभर के आती हैं। और हम इसमें जितना पेशेंस देते हैं, हम जितना पेशेंस रखते हैं और जितना टाइम देते हैं तो ये चीज़ हमको रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा देती है। अभी देखिएगा आप, ये अभी स्टार्टिंग हो रही है तो अभी इस पेंटिंग को देखिएगा और एंड में जब ये इसमें हाइलाइट्स और डार्कनेस सब कुछ डल जाएगा तब आप इस पेंटिंग को देखिएगा। तो वी कैन से कि हम जिस चीज़ में जितनी मेहनत करते हैं हमको उतना ही फल मिलता है। और यहाँ पे मैं बहुत ही प्यार से डिटेल्स करते हुए जा रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, मैं इन डिटेल्स को करते हुए इन्जॉय भी बहुत कर रही हूँ। लाइक वो डिटेल्स करना, उसको धीरे धीरे उसका रिजल्ट लाना, उसको धीरे धीरे ही उसके इफेक्ट में जाना, बहुत मज़ा आती है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और जैसे ही जब हमको चीज़ें हम डालते जाते हैं और हमको ये लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ ना बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम कि यार हमने से उस टाइम स्टार्ट किया था, हमको अंदाज़ा भी नहीं था कि हम इसे यहाँ तक कर लेंगे, इस लेवल तक ले जा लेंगे। क्योंकि जब हम किसी भी पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं तो हमको नहीं पता होता कि हम हाँ भाई इस बेस से जा रहे हैं तो हम वहाँ तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमको थोड़ा सा ना डाउट में होता है। और स्पेशली जब हम उतने चीज़ों में मास्टर्स नहीं होते, उतने प्रॉम्प्ट नहीं होते हैं हर एक चीज़ में, तो हाँ हमको थोड़ा सा लगता है कि हम उसे कर लेंगे या नहीं। और जब हम इसे धीरे धीरे करते जाते हैं, लेवल एक एक लेयर करते जाते हैं एंड देन हम देखते हैं कि नहीं हमारा इफेक्ट, हमारा रिज़ल्ट अच्छा दे रहा है, हमारा चीज़, हमारी पेंटिंग हमें अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, तो बहुत खुशी होती है। और अभी आपने देखा होगा कि मैं उस पेंटिंग में ना थोड़ा सा मुझे डार्कनेस लगने लगी थी उसके अंदर वाले एरिया में, तो मैं उसे कपड़े से पोंछ रही थी। हाँ तो गाइज हम क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कोट था ना वो सूख चुका था, तो हम सेकेंड कोट यदि हमें डार्क लग रहा है और इस डिफरेंस में लाइट फील हो रहा है तो हम उसे पोंछ सकते हैं। बट स्टार्टिंग में जब हम बिगनर्स होते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को मिटाने से ना बहुत डरते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार हमने अगर हम इसे मिटा दिया तो क्या हम इसे दोबारा वैसा ही कर पाएंगे, ये डाउट्स बहुत जाते हैं। बट हाँ हमें कभी भी अपने चीज़ों को मिटाने से या उसे और अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए, यार हमने ही तो बनाया, हम दोबारा बना लेंगे। और हाँ कभी कभी होता है कि नहीं बनता है बट हमको इतना डरना नहीं है, नहीं बनेगा तो ठीक है और अच्छा ही बनेगा ना। यदि हमसे थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है और हम इसे मिटा के एक दो बार और ट्राई करेंगे ना तो हमसे और अच्छा ही बनेगा। ऐसा नहीं कि हमें मिटाते टाइम नहीं डरना चाहिए, बट स्टार्टिंग में ना जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमें इतना दिमाग नहीं होता है और हम इतना लगाते भी नहीं है, क्योंकि जो बन गया जैसा बन गया ना हमको वो बहुत अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में ये बहुत होता था, मैं अपने स्केचेस बिल्कुल नहीं मिटाती थी, मैं सेकंड बना लूँगी बट मैं उसी में करेक्शन नहीं करती थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था उस टाइम। ये डर होता था कि यार अगर मैंने ये मिटा दिया और मेरे से फिर से ऐसा नहीं बना तो क्या होगा, मेरा ये भी चला जाएगा और मेरे से दोबारा भी नहीं बनेगा, ये अक्सर होता था। तो मैं मिटाती नहीं थी, मैं इनफैक्ट डबल मेहनत करके ना नेक्स्ट दूसरे पेपर पे फिर से बना लिया करती थी, बट मिटाने से मैं बहुत डरती थी। तो हाँ हमको मिटाने से नहीं डरना है, क्योंकि जब हम मिटाते हैं तो हाँ हम और अच्छा कर सकते हैं ना, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है, आगे बढ़ना है, बस इन चीज़ों से नहीं डरना है। लेट्स कम ऑन द पेंटिंग। यहाँ पे मैं शायद सेकेंड या थर्ड लेयर कर रही हूँ और उसका मैं जो रियलिस्टिक फील है ना वो दे रही हूँ। और ये देखिए मैं डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, हर एक चीज़ को मैनेज कर रही हूँ। होप सो ये बढ़िया बनेगा, फील तो अभी मुझे आने लगा है। गुड मॉर्निंग गाइज, ऑल सेट टू स्टार्ट द पेंटिंग।
तो गाइज यहाँ आज हम सबसे पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले मैंने सोचा था बैकग्राउंड में लास्ट में कर लूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम बैकग्राउंड भी साथ में कर लेते हैं, बिकॉज जब तक हमारा ये पंपकिन ड्राई होगा इसमें हमको लेयर टू लेयर अप्लाई करना पड़ेगा, तो साथ में ही हमारा बैकग्राउंड कर लेंगे तो हम बैकग्राउंड भी ड्राई हो जाएगा, तो हमको ऐसा अलग से बैकग्राउंड को ड्राई करने के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा। और हमारा बैकग्राउंड एकदम ब्लैक है और जहाँ से लाइट आ रही है तो वहाँ से थोड़ा सा लाइट में होते हुए ब्लैक डार्क की तरफ जाएगा, तो ये बहुत अच्छे से खिलेगा। और आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड डालते ही पेंटिंग में कितने अच्छे से उभार आ गया है। सो ये तो वैसे मेरे को पता था कि जब भी मैं बैकग्राउंड दूंगी तो ये पेंटिंग उभर जाएगी। और यहाँ पे मैं इस पेंटिंग की सबसे बेस्ट चीज़ करी हूँ, बेस्ट में इसे इसलिए बोली हूँ बिकॉज मैंने इस चीज़ को जैसे ही अप्लाई किया, आई मीन टू से कि ये जो ग्रीन लेयर है ना, इसका अंदर वाला जो पम्पकिन का ऊपर वाला एरिया है उसके अंदर वाला जैसे हम ग्रीन लेयर दिख रहा है जो मैं अभी कर रही हूँ, तो मैं इसे बेस्ट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने इसे जैसे ही अप्लाई किया इसमें बहुत अच्छे से उभार आ गया है और बहुत सबसे ज़्यादा कम टाइम लगा है इसको करने में और सबसे जल्दी सबसे अच्छा इफेक्ट दिया है इसने, तो इसलिए मैं इसे बेस्ट बोल रही हूँ। और गाइस आप भी बताइए कि आपको इसमें सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा है। ओके गाइस, सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट। और यहाँ पर हम कर रहे हैं सीड्स को, और सीड्स के अंदर वाली जो डेप्थ है ना उस पर एक दो लेयर्स और करते हैं और उसको चीज़ को और उभारते हैं। यहाँ पे सीड्स पे मैं अभी कम से कम 2-3 लेयर्स करूँगी उसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए। और जो सीड्स के अंदर वाली चीज़ है जहाँ पर सीड्स नहीं हैं और हमें डेप्थ नज़र आ रही है, और डेप्थ भी ना ऐसे ऑरेंज ब्राउन इस कलर में नज़र आएगी हमको बिकॉज ये पम्पकिन का येलो वाला एरिया है, तो वो डेप्थ ऑरेंज में नज़र आ रही है हमको, तो हम वो करेंगे। और उस सारी डेप्थ जो हमको फील हो रही है ना उस पर एकदम काम कर लेते हैं अच्छा वाला, जिससे कि हमारा पंपकिन एकदम अच्छा सा लगने लगे। यहाँ पे मैं उससे 2 गिरे हुए बीज बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं इनको नहीं बनाती हूँ, पर जब मैंने इनको बनाया और उन पर और थोड़ा सा काम किया, सेकंड कोट किया, थर्ड कोट किया, तो जब वो रियलिस्टिक लगने लगी तो सच में मैं गलत ही, पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगने लगी है उनको बनाते हुए। और जब हमने अपने पंपकिन पे इतना काम किया है तो हम उसके बैकग्राउंड मतलब कि जो लकड़ी का टुकड़ा है वो रखा हुआ है, हम उस पर काम कैसे ना करें, हम उसको भी रियलिस्टिक बनाएंगे ना। तो चलिए अभी हम इसकी डेप्थ में जाते हैं। इस पर मैंने ना 2-3 कोड किए, मुझे जब तक नहीं जमा, जब तक सेम चीज़ और
थोड़ी सी डैश तो थोड़ा सा अच्छा वाला शेड नहीं आया ना, मैं उसको करती गई। हेयर आई एम अप्लाइंग लास्ट कोड ऑफ दिस पेंटिंग और इसके बाद हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको पेंटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।